नमस्कार, इस वक्त राजस्थान मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। हमने पहले भी बताया अगले 3 दिन तक राजस्थान के कई क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है, लेकिन मॉनसून विदा हो गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी से एक नया सिस्टम उत्तर भारत की तरफ बढ़ा, जिस कारण राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। लेकिन आज व कल कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर व जयपुर संभाग के 25 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। लेकिन आज की बात करें तो आज भरतपुर व कोटा संभाग के कई जिलों के लिए भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले कोटा संभाग की बात करें तो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी समेत कई भागों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन भरतपुर संभाग की बात करें तो यहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसी के अलावा 8 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के भी, जैसा कि नागौर, चुरू समेत कई जिलों में, पाली के बेल्ट के समेत कई भागों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी समेत कई हिस्सों में देर रात ठंडी हवा चलने की संभावना है। लेकिन आज रात राजस्थान के भी अजमेर संभाग के नागौर व आसपास के क्षेत्रों में मौसम जरूर बदल सकता है। आज भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की संभावना बन सकती है। अजमेर, अलवर, बारा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक व उदयपुर जिले के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बता दें चले इन एरियों में कहीं कहीं हल्की तेज बारिश होने की संभावना। इसके अलावा बता दें चले तेज हवा जरूर चल सकती है। इसी की तरह 8 अक्टूबर के दौरान इन जिलों के लिए अलावा बता दें पश्चिमी राजस्थान के चूरू, नागौर, पाली बेल्ट में भी बारिश होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम की वजह से उत्तर भारत में एक फ्रेश डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बना एक साइक्लोन सर्कुलर सिस्टम आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में एक्टिव है, जिन वजह से इन दोनों सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई मौसम में बदलाव, बारिश शुरू हो गई। इस सिस्टम का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के अलावा अगले 3 दिन तक ऐसा बना रहने का माहौल है। मौसम बिगड़ा हुआ जरूर लगेगा। किसानों के लिए मौसम की सही सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मौसम की ताज़ा अपडेट आपको रोजाना मिल सके। धन्यवाद।